हेलो गाइस, मेरा नाम है विजय और आप देख हमारा यूट्यूब चैनल इन्फो विद विजय। तो गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मॉडिफाई करना हमारी सेटिंग स्क्रीन को। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से भी हमारी सेटिंग स्क्रीन दिख रही है, तो हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो सबसे पहले तो ये जो हमारे व्यू के जो यहाँ पे मैंने कुछ व्यूज का ये जो टैग बनाया था जो की एक शेडो सी क्रिएट करा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बिकॉज इसकी हमें जरूरत नहीं है। देन सिमिलरली इस वाले व्यू को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एंड जैसे मैंने इसको डिलीट किया देना, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्चुअली में प्रॉब्लम है वो यहाँ पे है कि हमारा जो ये सारे के सारे रैप कंटेंट है। अगर आप इनकी विड्थ देखो तो यहाँ पे और देन फाइनली यहाँ पे जो विड्थ है ये भी रैप कंटेंट है, तो इसे हमें करना होगा मैच पेरेंट। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं मैच पेरेंट। ओके, देन फाइनली आप देख सकते हो ये यहाँ पे पूरे का पूरा फिर से हो चुका है लेआउट। एंड देन फाइनली यहाँ पे जो सेटिंग स्क्रीन है इसके यहाँ से जो टेक्स्ट व्यू है उसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ या फिर इसको हम रहने देते हैं बिकॉज अब यहाँ से मैं टेक्स्ट व्यू को एक्चुअली में रहने देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे एक लीनियर लेआउट है जो कि टॉप मोस्ट लीनियर लेआउट है। देन दिस इज अनदर लीनियर लेआउट। तो यहाँ से इस लीनियर लेआउट को भी मैं हटा देता हूँ। ओके गाइस, एंड देन फाइनली यहाँ पे जो हमारा बटन है इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ, इसको मैं बाहर ले आता हूँ हमारे इस पर्टिकुलर लीनियर लेआउट के। एंड देन ये जो हमारा लीनियर लेआउट है उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। देन कुछ इस तरीके से अब हमारा ये लेआउट लग रहा है। तो ये हमारा हो चुका है लाइक लेआउट, तो इसको मैं यहाँ पे कोलैप्स करता हूँ। देन फाइनली इसको यहाँ से कोलैप्स कर देता हूँ और देन ये जो हमारा है इसको भी मैं कोलैप्स कर देता हूँ। ये हो गया, देन फाइनली इसको कोलैप्स और इसको भी। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों लेआउट हो चुके हैं रेडी। ओके, एंड देन फाइनली ये जो बटन है ये रैप कंटेंट है और यहाँ पे अब हम लेके आते हैं लाइक लेआउट ग्रेविटी। यहाँ पे लेआउट ग्रेविटी का यूज करते हैं, लेआउट ग्रेविटी इसको कर देते हैं सेंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो बटन है वो सेंटर में आ चुका है, बट यहाँ पे हमारे को जो ये लीनियर लेआउट है और यहाँ पे ये जो लीनियर लेआउट है इससे भी हमें बाहर लेके आना होगा हमारे बटन को। यहाँ से इसे मैं कट करता हूँ फिर से और देन फाइनली यहाँ पे लाके इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमारा बटन विजिबल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आते हैं और इसकी जो ओरिएंटेशन है वो हमें सेट करनी होगी। तो कर देता हूँ वर्टिकल। देन आप देख सकते हो ये अब हमारा बटन यहाँ पे आ चुका है। तो एक बार मैं कंट्रोल ए से सबको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल ऑल्ट और एल को प्रेस करता हूँ ताकि जो कोड हमारा वो फॉर्मेट हो जाए और रीडेबल फॉर्मेट में आ जाए। तो ये हमारा मेन लीनियर लेआउट है। तो अभी भी हमारा बटन जो है वो लेआउट के साथ ही अटैच हो रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लीनियर लेआउट उससे बाहर आ जाए। तो यहाँ से भी इसको कट करते हैं, सबसे पहले बटन की यहाँ पे सेटिंग कर देता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। एंड देन स्टिल यहाँ पे हमारा जो टॉप मोस्ट लीनियर लेआउट है इसकी भी हमें ओरिएंटेशन देनी होगी, तो उसके यहाँ पे ओरिएंटेशन दे देते हैं लाइक ओरिएंटेशन वर्टिकल। देन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा लेआउट आ चुका है। एंड देन अब यहाँ पे जो लेआउट ग्रेविटी सेंटर की प्रॉपर्टी है वो नहीं वर्क करेगी क्योंकि दो एलिमेंट आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे को मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी से काम मीन्स चलाना पड़ेगा, मीन्स यूज में लाना होगा। यहाँ पे 200 डीपी करता हूँ और देन फाइनली यहाँ पे कर देता हूँ 300 डीपी। तो 300 कुछ ज्यादा ही, तो 200 ही कर देते हैं वापस से। मीन्स बटन को सिलेक्ट करते हैं और इसे भी कर देता हूँ मार्जिन। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं मार्जिन टॉप लाइक 100 डीपी। तो ये हमारा बटन यहाँ पे आ चुका है। अभी हमारे को इसका भी साइज इंक्रीज करना है। तो ये हमारा लीनियर लेआउट है एंड देन दिस इज अनदर लीनियर लेआउट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी पैडिंग को इंक्रीज करता हूँ। तो पैडिंग एंड नहीं, पूरी की पूरी पैडिंग जो है उसको कर देता हूँ मैं 10 डीपी। एंड देन फाइनली यहाँ पे इसको हमें एक बैकग्राउंड ड्यूरेबल देना होगा। यहाँ पे मैं इसको कोलैप्स करता हूँ और यहाँ पे फिर से एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली में डायलॉग मूविंग का आ गया था, यहाँ से इसको कंट्रोल सी भी करता हूँ और ये हो जाएगा हमारा सेटिंग स्क्रीन। तो यहाँ पे सेटिंग कंटेनर बीजी बना देते हैं, सेटिंग कंटेनर कंटेनर बीजी जो कि बैकग्राउंड हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे जो कलर्स है उसको मैं चेंज कर देता हूँ लाइक #3x0। फाइनली यहाँ से जो कलर है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कुछ इस तरीके का कलर मैं यहाँ से इसको चूज कर लेता हूँ, उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन फाइनली आते हैं एक्टिविटी पे और यहाँ पे बैकग्राउंड यूज करते हैं। तो बैकग्राउंड आई थिंक पहले से कलर यहाँ पे दे रखा हमने, यहाँ पे यूज करते हैं लाइक जो कि होगा सेटिंग स्क्रीन। तो सेटिंग कंटेनर बीजी यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया हमारा बैकग्राउंड कलर। ओके, एंड देन फाइनली यहाँ पे अभी हमारा जो लीनियर लेआउट है इसका जो बैकग्राउंड कलर उसे हमें डिलीट करना होगा। देन इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं एंड देन इसका भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो फाइनली यहाँ पे ये हमारा डिलीट हो चुका है कलर तीनों का तीनों। एंड देन यहाँ पे ये हमारा इसको कर देते हैं मैच पेरेंट और यहाँ पे फिर लगाते हैं लाइक मार्जिन स्टार्ट प्रॉपर्टी। तो मार्जिन स्टार्ट यूज करते हैं 20 डीपी और मार्जिन एंड यूज करते हैं, या फिर मार्जिन एंड ही हमारे को यूज करनी होगी 20 डीपी।
देन इसके लिए हमारे को एक बैकग्राउंड ड्रिबल बनाना होगा, तो मैं प्ले स्क्रीन वाला ही बना देता हूँ। प्ले स्क्रीन सेटिंग जो कि बटन बीजी था, तो वो वाला यहाँ पे यूज कर देते हैं। पैडिंग को मीन्स मार्जिन को और कर देते हैं, तो 40 कर देते हैं। सो 40 लुक्स ग्रेट। ओके, देन यहाँ पे जो इसकी हाई, देन अगर आप देखें तो काफी छोटा अभी भी लग रहा है। तो यहाँ पे काम करते हैं, आते हैं हमारे टॉप में लीनियर लेआउट के, तो लीनियर लेआउट है। देन इसको अभी हमारे को यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, तो पैडिंग फ्रॉम टॉप दे देते हैं लाइक 20 dp। तो ये एक्चुअली दूसरे वाला है, इसमें हमें नहीं देनी पैडिंग। इसको हटा देते हैं फिर से। देन यहाँ पे इसको देते हैं, हमारे को पैडिंग देनी होगी। पैडिंग फ्रॉम टॉप दे देते हैं लाइक 30 dp की देते हैं। तो 30 dp अभी भी वर्क नहीं कर रही। तो अगर यहाँ पे लाइक 80 dp दें, तो यहाँ पे 80 dp की पैडिंग वर्क नहीं करी। अगर मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो मार्जिन नहीं यूज करनी यहाँ पे। तो काम करते अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ और इस वाले पे लाके पेस्ट कर दूं, तो देखते हैं एक बार कैसा लग रहा है हमारा लेआउट। तो यहाँ पे अभी एक्चुअली में हो नहीं रहा सेट। अगर यहाँ पे मैं पैडिंग देता हूँ लाइक, पैडिंग अगर मैं दूं तो 10 dp की, तो कुछ इस तरीके से अब डिस्प्ले हो रहा है। और अगर मैं 50 करूँ, 50 तो कुछ ज़्यादा ही अजीब सी लगेगी। देन पैडिंग अगर मैं टॉप से दूँ लाइक 20 dp की, तो इसमें भी वर्क नहीं कर रही। तो प्रॉपर अगर मैं यहाँ पे पैडिंग दूँ फ्रॉम टॉप ओनली 50 dp की, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्क कर रही है। तो 40 कर देते हैं। एंड देन फाइनली यहाँ पे लेके आते हैं पैडिंग फ्रॉम बॉटम, इसको भी कर देते हैं 40 dp। ओके, देन ये लग रहा है। देन यहाँ से जो टॉप लेआउट है उसको मैं कम करके कर देता हूँ 150 dp। देन यहाँ से जो एक टेक्स्ट व्यू की हम कोड को कॉपी कर लेते हैं, ऊपर हम डिस्प्ले करा देते हैं ये एक्चुअली में है क्या। यहाँ से इसको कॉपी किया मैंने, देन लेके आता हूँ। देन ये जो लीनियर लेआउट है यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। इसको कर देते हैं मैच पेरेंट। ओके, एंड देन फाइनली यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको कर देते हैं हम सेंटर। सो टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर। एंड देन फाइनली यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो यूज करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे इसका वाला यूज कर लेता हूँ, सेम ही रहेगा कलर। यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे हैशटैग स्पेसिफाई करके कलर को मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो ये हमारा हो गया। देन यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर देते हैं, कर देते हैं हम सेटिंग्स। तो सेटिंग्स यहाँ पे कर देते हैं कैपिटल्स में सेटिंग्स। इसके बाद टेक्स्ट साइज है इसको कर देते हैं 28 sp। ओके, देन फाइनली यहाँ से आप फिर से मार्जिन जो है इसको 100 कर देते हैं टॉप से। यहाँ पे कर देते हैं ना 100, तो 0 कर देते हैं। देन ये हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा है। इसको सिलेक्ट करते हैं और मार्जिन स्टार्ट कर देते हैं 5 dp। ओके, और मार्जिन एंड भी यहाँ पे अगर हमने यूज किया होगा, तो मार्जिन नहीं एंड यूज किया, पैडिंग यूज किया। तो फाइनली यहाँ पे हमारा ये हो चुका सेटिंग लेआउट पूरी तरीके से रेडी, जिस तरीके का हम चाहते थे। आप चाहो तो इसका और इसका कलर सेम कर सकते हो। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये कलर कोड कॉपी करते हैं। मैंने एक्चुअली में गलत कलर कोड कॉपी कर लिया। ओके, देन यहाँ पे हमारे ये सेम हो चुके हैं। अब इसको हम रन करके देखते हैं और देखते हैं कि फाइनली हमारी एप्लीकेशन कैसे अब वर्क कर रही है। तो जो भी छोटे मोटे बग्स होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। अब यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन पूरी तरीके से हो चुकी है मॉडिफाई। अब पूरी तरीके से हमारी जो एप्लीकेशन है वो बन चुकी है लेवल ऑफ क्विज एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है लॉन्च। तो यहाँ पे हमने सेटिंग स्क्रीन को मॉडिफाई किया, तो मैं सेटिंग स्क्रीन को ओपन करता हूँ। देन आप देखते हो कुछ इस तरीके से हमारी सेटिंग स्क्रीन अब डिस्प्ले हो रही है। तो जैसे यहाँ पे मैंने म्यूजिक को ऑन किया, देन आप देख सकते हो हमारा जो म्यूजिक है वो स्टार्ट हो चुका है प्ले होना। सो दैट्स लुक ग्रेट गाइस। अब यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर रही है। अगर मैं वापस जाता हूँ सेटिंग स्क्रीन पर, उसको यहाँ पे क्लोज कर दूँ। ओके क्लिक करता हूँ, प्ले क्विज पे क्लिक करता हूँ, जावा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कोई भी लेवल मैं रैंडमली प्ले कर सकता हूँ। अब जो बग सॉल्व करना है वो ये करना है गाइस, कि हमारे को यहाँ पे थोड़ी सी जो स्टेट मैनेजमेंट है उसको करना है। अगर यहाँ पे मैं अगर आप देखो तो करूँ यस, देन आप देख सकते हो वापस हम आ चुके हैं हमारी लेवल स्क्रीन पे। तो ये सारे हमें बग्स को सॉल्व करना होगा। तो ये सारे बग्स मैं सॉल्व करूंगा जो कि स्टेट मैनेजमेंट है इंटेंट की, वो हम देखेंगे। हमें फिनिश को कॉल करना होता है जब भी हम एक इंटेंट को स्टार्ट करते हैं, एक नई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा काम मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन दबा लेना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ। और जरूर गाइस कमेंट करके बताना आपकी आपको ये सीरीज कैसी लगी, क्योंकि ये सीरीज की ये सेकंड लास्ट वीडियो थी। अब फाइनल वीडियो जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे के सारे जो ये इंटेंट के स्टेट मैनेजमेंट वाले बग्स हैं वो मैं सोल्व कर दूंगा, क्योंकि हमारे को फिनिश मेथड को कॉल करना होता है, जिससे जो हमारी एक्टिविटी का इंस्टांस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जरूर कमेंट करके बताना आपको ये सीरीज कैसी लगी है, और हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके इस सीरीज को शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो जानना चाहते हैं कि कैसे आप एक पर्टिकुलर क्विज एप्लीकेशन बना सकते हैं बाय यूजिंग एंड्रॉइड एंड SQLite डेटाबेस, और काफी इजीएस्ट वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।